आप प्रैक्टिस सेट करते हो, नंबर मैच करते हो और उसको रख देते हो, जबकि अगर आप यहाँ तक काम कर रहे हो तो आपने प्रैक्टिस सेट का कोई फायदा नहीं लिया है, आपने प्रैक्टिस सेट का कोई भी फायदा नहीं लिया है। 10 कम से कम सही करके आने हैं, इतना कम से कम आप सही करके आएंगे, और जो अच्छा बच्चा होगा वो मैथ्स में 5 बढ़ा लेगा, रीजनिंग में 5 बढ़ा लेगा और किस में, हिंदी में 5 बढ़ा लेगा या ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अच्छा बच्चा जो होगा वो 125 से 130 क्वेश्चन तक भी खींच के ले जा सकता है और टॉपर्स की सूची में भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रामजी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। रामजी की पाठशाला आपको यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा समय समय पर आपके तैयारी के मापदंडों को कसते हुए मैं आपकी कमियों को एवं अच्छाइयों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, पर जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के हर एक सीरियस कैंडिडेट को देखना ज़रूरी है जो वास्तविकता में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। उसका सिर्फ ये पॉइंट है, ये प्रैक्टिस सेट वाला पॉइंट है। इससे प्रैक्टिस सेट से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं। मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को देख रहा था कि मैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली में बात है क्या, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे प्रैक्टिस सेट्स में मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरे प्रैक्टिस सेट में, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, प्रैक्टिस सेट में मार्क्स इतने आ रहे हैं। कोई बताता है कि सर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, कोई बताता है सर मेरे कितने 250 या 280 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब 200 से और 280 के बीच में अपने नंबरों को बताते हैं कि सर मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या होता है, क्या सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो भाई साहब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घातक है, क्या सर मेरा हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घातक है। मुझे लगता है कि जो अपने मार्क्स बता के यहाँ वाले पूछते हैं क्या सर मेरा हो जाएगा, यहाँ वाले बोल रहे हैं क्या सर मेरा हो जाएगा, भाई मैं ब्रह्मा जी थोड़े ही हूँ, मेरे को कैसे पता लगा कट ऑफ कहाँ लगने वाली है। मैंने एक बात स्पष्ट तौर से बोल रखी है, जिन्होंने भी राम जी की पाठशाला की स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी होगी, मैंने एक बात स्पष्ट तौर पर बोल रखी है कि 110 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं। और 110 प्लस क्वेश्चन उस व्यक्ति के लिए हैं, ये 110 प्लस क्वेश्चन उस व्यक्ति के लिए हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, यानी कि 110 तो क्वेश्चन कम से कम करके आने हैं, 25 मैथ्स में करके आने हैं, 30 रीजनिंग में करने हैं, 30 ही हिंदी में करने हैं और 25 जीएस मूल विधि वाले सेक्शन में करने हैं। सबको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 कम से कम सही करके आने हैं, इतना कम से कम आप सही करके आएंगे। और जो अच्छा बच्चा होगा वो मैथ्स में 5 बढ़ा लेगा, रीजनिंग में 5 बढ़ा लेगा और किस में, हिंदी में 5 बढ़ा लेगा या ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अच्छा बच्चा जो होगा वो 125 से 130 क्वेश्चन तक भी खींच के ले जा सकता है और टॉपर्स की सूची में भी जा सकता है। अब ये बात अब मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी, अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो, 200-280 वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर मेरा क्या हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, शायद आपको किसी ने ये बात बताई नहीं होगी कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, प्रैक्टिस सेट होते हैं आपकी कमियों को दूर करने के लिए। देखो कई बार आपने एक चीज महसूस करी होगी कि कोई प्रैक्टिस सेट आसान आ जाता है उसमें आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट टफ आ जाता है उसमें नंबर आपके बहुत ज़्यादा कम आ जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो जिसमें आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, आप प्रैक्टिस सेट करते हो, नंबर मैच करते हो और उसको रख देते हो, जबकि अगर आप यहाँ तक काम कर रहे हो तो आपने प्रैक्टिस सेट का कोई फ़ायदा नहीं लिया है, आपने प्रैक्टिस सेट का कोई भी फ़ायदा नहीं लिया है। एक्चुअली में जब आपने नंबर मिला लिए, कितने सही हुए कितने गलत हुए ये सब चीज़ आपने चेक कर ली, असली खेल शुरू होता है उसके बाद। प्रैक्टिस सेट के नंबर ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो जब अगर ये मान के चलो कि जिस दिन आपका हार्ड प्रैक्टिस सेट आ जाता है उस दिन आपके 200 से नीचे भी चले जाते हैं, और वही प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके नंबर कम जा रहे हैं अगर वही सेट आपको पेपर में मिल गया तो आप क्या आप कह सकते हो कि आपका नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो प्रैक्टिस सेट नेवर डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, प्रैक्टिस सेट बताता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं। देखो जब आप प्रैक्टिस सेट करो,
जब आप प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट करने के बाद उसको एनालाइज करो। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो भाई यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी सब चीज़ें कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी यार समझना चाहिए चीज़ों को, है ना। दुनिया के इस चक्कर में जो झोलमेल चल रहा है पूरा, इससे बचो थोड़ा, क्योंकि आबाद हो गए तुम, हो गए बर्बाद हो गए तुम, हो गए दूसरे आदमियों को कोई मतलब नहीं है। सब लोगों को आप अपने अपने फ़ायदे से मतलब है। जो बड़े बड़े टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कहीं से क्वेश्चन उठाया, कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, हज़ारों रुपये सैलरी पाने वाले क्लर्क्स हैं, टाइपिस्ट हैं, वो चल रहा है सब काम आपको। अगर वो कहीं से टाइप किया, 20 रुपये में टाइप कराया, 100 रुपये में बेच दिया, 80 का फ़ायदा हो गया। तो इस तरह मत करो, ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट सीरीज लो, ठीक है। ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट सीरीज लेने का मतलब ये है कि अपने पेपर के लेवल को देखो, पिछले बार के लेवल के, जी जो आपका जो एग्जाम आया था उसके लेवल के हिसाब से देखो, फिर उस लेवल को जहन में रखते हुए मार्केट में जाओ या ऑनलाइन जाओ और देखो कि आपके लेवल के हिसाब से है कि नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से वो पेपर का पैटर्न है कि नहीं, प्रैक्टिस सेट का पैटर्न है नहीं। और जब आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको एनालाइज करो, आप उसको एनालाइज करो, वहाँ से अपनी कमियों को निकालो। कि आपने एनालाइज किया कि मैथ में मेरा 1 2 3 4 5, आपके 1 2 3 4 कि भाई मैथ में मेरे ये 4 टॉपिक कमज़ोर चल रहे हैं, तो आप इन 4 टॉपिक पे काम करो। या आपका कोई एक टॉपिक है उसमें ये 4 टाइप के क्वेश्चन मेरे ठीक से हो नहीं रहे, तो आप इन पे मेहनत करो। तो आप देखेंगे जब आप इस तरह धीरे धीरे, इसी तरह रीजनिंग में करो, इसी तरह हिंदी में करो, इसी तरह GS वाले सेक्शन में करो, ठीक है, तो जब आप इन कमियों को दूर करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 1-1.5 महीने बाद आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी कमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और एक बात बताऊं मैं आपको, जिस आदमी की तैयारी पूरी होती है ना, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। जिस आदमी की तैयारी पूरी होती है उसको कभी पूछना नहीं पड़ता कि सर मेरा हो जाएगा क्या, उसको अंतरात्मा से खुद ही आवाज आने लगती है कि हाँ मेरा इस बार हो जाएगा। तो अपनी आंखें खोलो और अच्छे से समझो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यूपी पुलिस में दरोगा बनने वाले हो, कल को थाने संभालोगे, थाने संभालने के बाद CEO बनोगे, बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है, लाखों लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में होगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। तो कम से कम अपना फ्यूचर सेफ करना आना चाहिए और अपनी बुद्धि थोड़ा लगाना आना चाहिए। बात थोड़ी कड़वी लग रही होंगी पर कहना ज़रूरी है। देखो मैं मीठा बोलता हूँ, मैं कड़वा बोलता हूँ, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो और यही सब बातें साथ में जो अभी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ चीज़ें, पढ़ो कहीं से भी, कहीं से पढ़ो मगर पढ़ते रहो, ठीक है। मुझे पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, पर कोविड का टाइम भी बीत जाएगा, ठीक है, ये महामारी का दौर भी बीत जाएगा। और कल को अगर आप कोविड के दौर का, एक बात बताता हूँ, अगर कल को आप कोविड के दौर का बहाना लोगे ना कि भाई कोविड का दौर चल रहा था मेरा, तो कोई तुम्हारे बहाने नहीं सुनेगा। आज तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज़ करो, मैक्सिमम पढ़ाई करो, अपने घर में रहो, अपने घर में अच्छे से पढ़ाई करो, लाइफ मौका दे रही है। अपनी जान बचाओ, बुद्धिमत्ता रखो, बाहर जाओ तो मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह रखो और आके स्नान वगैरह करके और अपनी पढ़ाई करो। डेटा इतना अच्छा मिल रहा है, सब मिल रहा है, पढ़ाने वाले लोग अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ तो आपके अनुकूल है, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलो और मेरी ये बात ध्यान सुनो, जो जो मैंने बात बताई है, और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो, सब लोग देखना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके यार दोस्त जो भी हैं, जो भी आपके आत्मीयजन हैं, शेयर जरूर करना, ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअली में एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।